भाइयों नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम अपने शहर अजमेर में हैं और अजमेर से हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। यहाँ से कुछ 200 किलोमीटर का रास्ता है और हमने गाड़ी ली हुई है हुंडई की वेन्यू। यहाँ से कुछ आई थिंक 3-4 आवर्स लगते हैं, या पता नहीं टाइम देखते हैं। और अभी टाइम हुआ है 6:45, तो मोस्ट प्रोबेबली हम 7 तक अपना ट्रिप स्टार्ट करेंगे। सारी अपडेट देंगे आपको वहाँ तक का रास्ता कैसा है और वहाँ आप दर्शन को कितना टाइम लगता है, क्या क्या वहाँ पर सब सिस्टम है। तो बने रहिए वीडियो में, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। तो अजमेर से और खाटू श्याम जी का जो अगर आप गूगल मैप में डालेंगे तो आपको 3 रास्ते दिखाता है। एक आप किशनगढ़ से भी आप लेफ्ट लेके जा सकते हैं वाया मकराना, और एक आप आगे जाके जोबनेर से भी एक रास्ता बता रहा है, और लास्ट जो रास्ता बताता है वो आपको जयपुर से पहले जो दिल्ली वाला कट है 200 फुट से आप जो लेफ्ट लेते हैं वहाँ से बताता है। तो उनको देखेंगे तो सबसे जो जूबनेर वाले रास्ते को सजेस्ट करता है क्योंकि उसमें आपको वो कम टाइम बताता है, बट अराउंड 175 किलोमीटर वहाँ से बता रहा है। बट मैंने जो हमने जो लिया वो जयपुर वाला लिया क्योंकि वहाँ पे एक तो जयपुर तक रास्ता बढ़िया है और फिर आगे जो सीकर वाला रास्ता है वो भी अच्छा है। तो जो जयपुर से अगर आप बनाएंगे प्लान तो वही सही रहेगा, और वो अराउंड 195 किलोमीटर का आपको रास्ता पड़ता है, और आपको करीबन तो आपको 4 से 5 घंटे कुछ करीबन लग जाते हैं अजमेर से खाटू श्याम जी पहुँचने में। यहाँ बजरंग ढाबे पे हमने सुबह 8 बजे वाली चाय ब्रेक लिया। फोटोग्राफी नहीं, व्लॉग। व्लॉग वही तो गया हूँ। व्लॉग कर रहा। अभी कितना हो रहा है? अभी इतना हो रहा है। तो हमको अभी हो रहा है 8, और तो अभी हो रहा है 8, और हम तो शायद आई थिंक 60 किलोमीटर हम आ गए हैं, और थोड़ा पहले हमने रुका है। होटल का नाम है बजरंग, यहाँ पे लेंगे एक चाय बिस्ती, फिर हम जाएंगे जयपुर। जयपुर में 200 फुट पहुँच कर फिर वहाँ से हम मंदिर के लिए कंटिन्यू करेंगे। 200 फुट पहुँच कर हमारे एक गेस्ट को पिक करना है मौली बैना को, जिसके बाद फिर हम चलेंगे। ठंड के मजे लिए जा रहे हैं, सुबह के ठंड जो महावीरी ठंड है उसके मजे लिए जा रहे हैं। तो हमारा सेकंड स्टॉप हो गया है, प्रताप नगर में आ गए। इस स्टॉप में हमने 80 किलोमीटर चलाया, अभी टोटल आई थिंक 130 हो गया है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वापस से अपनी जर्नी टू खाटू श्याम जी। सालासर बालाजी पड़ेगा शायद। अरे मैं वो सालासर गांव के बालाजी दिख रहे थे, इसलिए सालासर बालाजी अलग है, सालासर गांव में एक और बालाजी है, सालासर गांव दूर है। तो हमको लगभग 9:30 बजे जयपुर पहुंचने में, जयपुर में हम थोड़ा अंदर गए 200 फुट से आगे प्रताप नगर, हमको कुछ काम था तो वहां गए, और फिर हम जयपुर से वापस 10 बजे के करीब हमने स्टार्ट किया। आपको मैप में दिख भी रहा होगा, और हम अराउंड 12:30 हम खाटू श्याम जी में जो गवर्नमेंट की पार्किंग है वहाँ अपनी गाड़ी लगा चुके थे। तो नेशनल हाईवे 52 लेते ही, जैसे ही आप लेफ्ट लेते रिंगस के लिए, यहाँ से आपको एक भक्ति में माहौल दिख जाएगा। बहुत सारे भक्त जो मंदिर की तरफ बढ़ रहे वो दिखेंगे, और साथ में जो झंडे
खाटू श्याम जी पे चढ़ावा चढ़ते हैं वो देखेंगे। और आप खासकर ये जो पुल सामने देख रहे हैं इस पे हमको काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था, क्योंकि यहाँ पे आप खाटू श्याम जी का बोर्ड देखेंगे तो लेफ्ट दिखा रहा है, लेकिन वो पैदल लोगों के लिए, कार जो है जिनके पास वो उसको ऊपर से ही क्रॉस करते हैं। तो खाटू श्याम जी के लिए ऐसी मान्यता है, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो बार्बरिक इनका नाम था उस समय में, तो ऐसा माना जाता है कि ये अपने तीन तीर से ही पूरा युद्ध को ख़त्म कर सकते थे। उन्होंने एक वचन लिया हुआ था कि जो भी युद्ध में हार रहा होगा उसका वो साथ देंगे, तब इसलिए उनको हारे के सारा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। श्री कृष्ण ने ये देखा और उन्होंने समझा कि अगर ऐसा हुआ तो पांडव हार जाएंगे, इस जो कि नीति विरुद्ध होता, तो इसलिए कृष्ण जी ने उनसे उनका सर मांग लिया और ये वरदान दिया कि कलयुग में उनको उनके ही नाम से, श्याम नाम से पूजा जाएगा, इसलिए खाटू श्याम जी के नाम से हम उनको पहचानते पूछते हैं। आप अगर इधर आएंगे तो आपको ये देखने को भी मिलेगा यहाँ पे सब कुछ, जैसे अपन जो सब चीज़ें अपन कृष्ण जी को चढ़ाते हैं वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी सेम तरीके से। तो यहाँ से आपको खाटू श्याम जी रोड पे आप एंटर होते हैं इस टोल से, और यहाँ पे 20 रुपये लेंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है आपको अगर ये पर्ची नहीं दे तो पर्ची लेना, क्योंकि रिटर्न में जब वापस वापस आएंगे तो पर्ची का पूछेंगे, अगर नहीं होगा तो वापस चार्ज कर लेंगे। तभी आपने देखा होगा कितना कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, शायद मंदिर की जो लोकेशन है गूगल मैप में सही नहीं है, इसलिए गूगल मैप काफ़ी कन्फ्यूज़ करेगा आपको। तो ये अगर प्रॉब्लम आपको नहीं हो तो मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन अपनी डिस्क्रिप्शन में दूंगा यूट्यूब के, वहाँ पे आप सीधा जो कार पार्किंग है गवर्नमेंट की, जहाँ पे 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे वहाँ की दूंगा, तो आप सीधे अपने मैप में वो डाल के यहाँ आ सकते हैं। हाँ कूपन रख लिया वो कार में। हाँ तो जा रहे हैं हम, मंदिर पहुंच गए और यहाँ से ऑटो करके हम जा रहे हैं कहाँ पे मंदिर। अरे झंडा नहीं दिया। तो अगर आप झंडा लेके आ रहे हैं मंदिर में तो आपसे ले लिया जाता है, तो आप जो झंडे का कपड़ा है वो ले सकते हैं, अपने साथ ले आ सकते हैं, बाकी ये कोशिश जो होती है वो पूरा ले लिया जाता है, और जिसको पता नहीं हो तो वो पूरा झंडा दे देता है उनको, वो गलत है, हमारे साथ हुआ। तो आपको ले जाना है तो आप कपड़ा ले जाइए और जो उसमें जो डंडा लगा हुआ है वो आप उनको दे सकते हैं। तो 12:30 हम मंदिर की लाइन में लग गए। तो ये जो आप काफ़ी मल्टीपल लाइंस देख रहे हैं तो इसका सिलेक्शन भी जो रेगुलर था उसको तो पता होगा, बट हमको पता नहीं था जो एक्सट्रीम लेफ्ट है वो उस लाइन में अगर आप लगोगे तो आप जो मंदिर है खाटू श्याम जी बाबा उनके पास में काफ़ी जाके दर्शन कर पाएंगे, और जो जिधर हम लगे हुए थे वहाँ पे आप उतना पास नहीं जा पाते लेकिन आपको अच्छे से दर्शन होते क्योंकि वो हाइट पे रहती है जगह। तो आगे हम दिखाते हैं जी। Thank you.
तो मंदिर के अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं, तो अंदर के तो दर्शन हम आपको करा नहीं पाएंगे। तो हमको 12:30 हम अंदर लाइन में लगे थे और 1:25 पे हम लगभग 1 घंटे में दर्शन करके बाहर आ गए। अच्छा, तो मंदिर से आई थिंक 400-500 मीटर पे ही आपको यहाँ पे अग्रवाल भोजनालय मिल जाएगा। यहाँ का खाना बहुत बहुत पसंद आया हम सबको। आप ज़रूर इस जगह को ट्राई कीजिए। हमें गूगल मैप की लोकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। तो दर्शन हमने कर लिए और अभी टाइम हुआ है 2:38 है ना, लगभग 1 घंटे लगे अब हम निकलेंगे जयपुर। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उस सबका लोकेशन डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, जैसे सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू।